वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। इन क्वेश्चन आंसर सीरीज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो ये लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, जो क्या करता है, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। ये फॉलोइंग कोड तैयार करेंगे, आउटपुट क्या होता है। तो देखिए वन बाई वन अपन इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दे रखा है वो देखा सेलेक्ट कॉन्केट अगेन कॉन्केट और इसके अंदर इन्फॉर्म एक्टिस और देन प्रैक्टिस। देखिए ये जो कंप्लीट है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये दोनों फंक्शन है वो अपन ये कह सकते हैं फंक्शन की नेस्टिंग है, फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये फंक्शन सॉल्व होगा, ये फंक्शन परफॉर्म अपनी टास्क परफॉर्म करेगा, तो ये दोनों को ऐड करेगा। कॉन्केट क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा ना उससे ये और ऐड हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट फंक्शन काम करेगा कॉन्केट और ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिक्स और देन क्या ऐड हो जाएगा, प्रैक्टिसेस। अब आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस विदाउट स्पेस। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट LKS इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 11th, LKS मीन्स लोअर केस में चेंज करेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 11th। ओके, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा अपन को लोअर केस में लिखना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट UKS कंप्यूटर स्टडीज, तो सेलेक्ट UKS कंप्यूटर स्टडीज के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में चेंज हो जाएगा, UKS मतलब अपर केस। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट कॉन्केट लोअर, अब देखिए ये तो लोअर में चेंज हो रहा है और ये किस में चेंज हो रहा है, अपर में, तो ये तो स्मॉल एबीसीडी में आ जाएगा, ये कैपिटल में आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्केट हो जाएंगे बाद में, मतलब ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, क्लास 12th ऐसे आ जाएगा, जिसमें क्लास है वो लोअर केस में और 12th है वो XII जिसको अपन कहते हैं वो क्या है, अपर केस के अंदर। नेक्स्ट इफ एस टी आर में दे रखा है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और STR1 में देगा फॉर क्लास 11th। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि राइट कमांड टू प्रिंट द आउटपुट एज इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर 11th। अपन को क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर 11th। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करें, तो देखिए अपन क्या करते हैं, अपन को क्या करना है, देखिए ये आंसर क्या दे रहा है, देखिए ये आ रहा है वो कैपिटल में आ रहा है, ये भी कैपिटल में, दोनों को क्या करना है, स्मॉल में चेंज करना है। इट मीन्स दोनों में अपन को क्या यूज़ करना है, LKS लोअर केस। तो अपन ने यहाँ पे आंसर में कैसे करना है, सेलेक्ट कॉन्केट मतलब ज्वाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, लोअर STR और लोअर STR1 दोनों को जो केस में चेंज कर लो, या तो यहाँ पे यूज़ कर लो आप LKS या फिर यूज़ कर लो लोअर। ठीक है, दोनों लोअर केस में चेंज होएगा और देन फिर क्या करेंगे, दोनों को कॉन्केट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है राइट डिस्प्ले कमांड, सॉरी डिस्प्ले राइट कमांड टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। सिस्टम की डेट अपन को शो करनी है तो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस डेट, तो आंसर अपना क्या होगा, 4th का सिस डेट। इसका कमांड अपन को कम्प्लीटली लिखना है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट देन सिस डेट और देन सेमी कॉलर, सेलेक्ट सिस डेट और सेमी कॉलर। ओके, नेक्स्ट राइट कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट मंथ, नेम ऑफ करंट मंथ, यहाँ पे अपन को करंट मंथ का नेम चाहिए तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ से, सिस डेट से। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करोगे, यहाँ पे आप दीजिएगा मंथ नेम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, मंथ नेम, जिससे क्या ये नेम शो कर देगा। अगर ओनली मंथ देते हो तो यहाँ पे मंथ का नंबर शो होगा, और आपको मंथ नेम शो करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मंथ नेम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वो देखिए क्या है, सेलेक्ट सॉरी राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले, अपन को कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ ऐसा डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए अपन क्या कमांड लिखें, देखिए सेलेक्ट ईयर, देखिए जो अपन को करना है वो अपन को कैसे करना है वो देखिए एक बार, यहाँ पे सिर्फ दे रखा है टुडे, ये अपन को ऐसा कैसा आउटपुट में चाहिए, देन द डेट इज ऐसा कैसा आउटपुट में चाहिए, और देन अपन को क्या चाहिए, करंट डेट चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट जो अपन को एज ए आउटपुट में ऐसा कैसा चाहिए वो अपन डबल कोटेशन में देंगे, तो अपन क्या करेंगे, टुडे द डेट इज इतना डबल कोटेशन में देंगे, तो यहाँ पे मैंने दिया टुडे द डेट इज इतना डबल कोटेशन, देन कोमा और देन कर डेट, कर डेट क्या करेगा, करंट डेट शो करेगा। ओके,
नेक्स्ट आपका आता है वो आता है राइट कमांड टू प्रिंट द डे डे ऑफ द वीक ऑफ योर बर्थडे इन द ईयर 1999 के अंदर आपका जो बर्थडे आता है उस वो वीकडे का कौन सा दिन होगा ये अपन को बताना है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन अपन काम में लेते हैं डे ऑफ वीक। तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट डे ऑफ वीक और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपन ने 1999 के अंदर लिख दिया है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है 30 और देन 5 मीन्स मई, ठीक है। तो 5 मई को अब 1999 है तो इसको अपन लिखा, तो ये अपन को क्या देगा कि वीकडे कौन सा है, मतलब वीक का कौन सा दिन यहाँ आज जो 5 डेट को, सॉरी 30 डेट को होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो आता है आपका राइट द कमांड टू डिस्प्ले द करंट टाइम। अब करंट टाइम है वो डिस्प्ले करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट नाउ, सेलेक्ट नाउ। नाउ क्या करता है, सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम दोनों शो करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर टू फील्ड बी डेट, अपन को दो फील्ड है वो ध्यान में रखनी, कौन सी, बी डेट मतलब बर्थ डेट विच स्टोर द बर्थ डेट एंड जे डेट विच स्टोर द ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। बी डेट मीन्स बर्थ डेट, जे डेट मीन्स ज्वाइनिंग डेट। राइट कमांड टू फाइंड आउट, राइट कमांड टू फाइंड आउट एंड डिस्प्ले द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ एन एम्प्लॉई एज ऑन टूडे। आपको जो अप्रोक्सीमेट एज है वो बतानी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि बर्थ डेट, सॉरी आपका जो जो ज्वाइनिंग डेट है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सिस्टम की करंट डेट है, उसमें से अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो बर्थ डेट है उसको लेस करेंगे तो अपना अप्रोक्सीमेट एज आ जाएगा, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे वो देखिए, सेलेक्ट ईयर। ईयर इसलिए किया है क्योंकि अपन ने अप्रोक्सीमेट एज निकालनी है, तो एज देन कर डेट मीन्स करंट डेट माइनस ईयर ऑफ बी डेट, बी डेट मीन्स बर्थ डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, मान रहे हैं अपन की एम्प्लॉय टेबल है, तो सेलेक्ट ईयर ऑफ कर डेट माइनस ईयर ऑफ बी डेट, ओके। नेक्स्ट आपका है वो देखिए क्या दे रखा है, अंजलि राइट द फॉलोइंग कमांड विथ रेस्पेक्ट टू टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड EMPNO, एक एम्प्लॉय नंबर है, नेम है और डिपार्टमेंट है कमीशन। अब ये कुछ फील्ड दे रखी है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, अब देखिए ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और एक देखा सेलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तरफ तो अपने इसने क्या यूज कर रखा है स्टार और एक तरफ इसने क्या कर रखा है कॉलम नेम का यूज कर रखा है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुई अपन को बताना है, ये क्या कह रहा है, सी गेट द आउटपुट एज फॉर द फर्स्ट कमांड, फर्स्ट कमांड इसका आउटपुट 4 आ रहा है बट गेट द आउटपुट 3 फॉर द सेकेंड कमांड, सेकेंड कमांड के लिए आउटपुट आ रहा है 3। एक्सप्लेन द आउटपुट विद जस्टिफिकेशन, अपन को आउटपुट बताना है कि ऐसा क्यों आ रहा है जस्टिफिकेशन के साथ। तो देखिए जब भी अपन बात करें स्टार की, स्टार क्या करता है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वहाँ पे नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, किसको, नंबर ऑफ रोज को, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। पर अगर अपन बात करें यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि या अपन कह सकते हैं कि कमीशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू क्या है, नल है, और नल वैल्यू को काउंट फंक्शन मतलब एग्रीगेट फंक्शन है वो इग्नोर करता है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार मीन्स काउंट नंबर ऑफ रोज और कमीशन, अगर आपने देखा है तो काउंट कॉलम वैल्यूज, ये क्या करता है काउंट है, वो काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज को करता है जो कॉलम में है और इग्नोर नल, और नल को क्या करता है इग्नोर करता है। तो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ करंट डेट, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट, तो अपन को क्या करना है, करंट डेट का मंथ है वो मंथ नेम शो करना है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे देखिए, मंथ नेम देन डेट और देन नाउ, तो करंट डेट नाउ तो क्या करेगा, करंट डेट एंड टाइम शो करेगा, उसमें से डेट फंक्शन है वो डेट निकाल लेगा और देन मंथ नेम है वो क्या करेगा उसका मंथ का नेम निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, दोनों तरफ से स्पेस हटाना है तो अपन किसका यूज करते हैं, ट्रिम का, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम। अब यहाँ पे दे रहेगा पनोरमा, तो यहाँ पे पनोरमा अपन को आंसर में जो एज ए स्ट्रिंग अपन को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा ट्रिम और देन पनोरमा। नेक्स्ट है रिमूव स्पेस, सॉरी नेक्स्ट आएगा डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे फ्राइडे और संडे फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड DOB। ये क्या कह रहे हैं देखिए, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, आपको नेम डिस्प्ले करना है डे का, तो अपन क्या करेंगे डेट देखिए क्या दे रखा है, डे नेम देन डेट और देन DOB, DOB आपने यहाँ पे दे रखी है, तो ये क्या करेगा, उससे डेट पार्ट निकाल लेगा और देन
डेट पार्ट निकाल दे, उसमें से डे नेम अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, वो आ जाता है टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग सॉरी स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ योर फर्स्ट नेम फ्रॉम योर हॉल नेम। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजिशन बतानी है फर्स्ट नेम की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन एसटीआर पोजिशन बताने के लिए काम में आता है, तो मेन स्ट्रिंग तो आपकी ये होगी नेम, और उसमें से एफ नेम है उसकी सब स्ट्रिंग हो जाएगी। तो एफ नेम क्या होगा, एफ नेम है उसकी पोजिशन बता देगा ये, ठीक है। तो इन एसटीआर का यूज अपन करें। नेक्स्ट देखा है, कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू नंबर एन वन एंड एन टू। एन वन और एन टू दोनों में से अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर के लिए अपन फंक्शन यूज करते हैं मॉड, तो देन मॉड एन वन कोमा एन टू। तो क्या होगा कि एन टू है सॉरी एन वन है वो डिवाइड होगा एन टू से, और देन जो भी रिमाइंडर होगा वो अपन को आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन की बात की अपन ने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ, और इनको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।